स्टूडेंट्स, आज हम वेकेशन के बाद पहली बार आज हम सबसे पहले लेसन सीखने जा रहे हैं संचयन का। और इसमें तो आपको पता ही है, संचयन केवल आपको पढ़ने के लिए है और आपको समझ कर उसके ऊपर दिए गए प्रश्न उत्तरों को लिखना होता है। आज मैं यहाँ पर आपको केवल इस पाठ का एक समरी के रूप में यहाँ पर सारांश बताने जा रही हूँ। ध्यान रखना है बच्चों, ये पाठ आपको पढ़ना है ध्यान से, और जो मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है, तो ये लेसन आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। इस लेसन के लेखक है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा ने प्रारंभ में अध्यापन का कार्य किया और बाकी बड़े लंबे समय तक उन्होंने स्वतंत्र रूप से साहित्य और राष्ट्र के सेवा में वह लगे थे। उन्होंने विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई है। ऐसे ही लेखक ने अपने जीवन के बाल्यावस्था का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, जो हमें स्मृति, स्मृति का अर्थ आपको पता है कि याददाश्त। बच्चों, लेखक के जीवन में या हमारे भी जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में ऐसी छाई रहती है कि हम कभी उसे भूल नहीं जाते। हमारे स्मृति पटल पर वो एकदम वैसे के वैसे चित्रित हो जाती है, और जब भी कभी हम उसे बैठते हैं और उसे याद करते हैं तो वो जैसे के वैसे हमारे सामने चित्रित होती जाती है, क्योंकि वो हमारे गहराई तक पहुँची हो चुकी होती है। ऐसी ही कहानी लेखक ने अपने बारे में बताई है। यहाँ पर उनके जो बड़े भाई थे उनका एक खास महत्वपूर्ण चिट्ठी उन्हें मक्खनपुर पहुंचानी थी। अब ये मक्खनपुर तक, लेखक के घर से मक्खनपुर तक जाने के लिए एक जंगल से रास्ता गुजरना पड़ता था, तब जाकर कई आदमी मक्खनपुर पहुंच जाता था। और ऐसे ही जगह पर लेखक मक्खनपुर हमेशा स्कूल जाया करते थे, इसलिए मक्खनपुर का रास्ता लेखक को पता था। इसीलिए उनके बड़े भाई साहब ने लेखक को मक्खनपुर के डाकखाने में अपनी चिट्ठी डालने के लिए बुला लिया, और इस चिट्ठी को डालने के लिए लेखक अकेला नहीं जा रहा था। इसीलिए उनके भाई ने और घर वालों ने उनके साथ उनके छोटे भाई को भी उनके साथ भेज दिया। अब यहाँ पर जब हम ये पाठ पढ़ेंगे बच्चों, तो हमें यहाँ पर खास करके लेखक ने बच्चों की बाल्यावस्था का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि बच्चे किस तरीके से शरारतें करते रहते हैं आते जाते रास्ते पर। कभी वो सही तरीके से नहीं आते, कभी बड़े उनको कहते हैं कि ये न करो तो बच्चे वो ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि जानने की जिज्ञासा उनमें भी रहती है, और इसीलिए ये बच्चे वहाँ पर कुछ न कुछ शरारत करते रहते हैं। तो ये क्रियाकलाप जो बच्चों का होता है वो एक न एक दिन उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल देता है कि वहाँ पर उनको उसका सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था कुछ यहाँ पर लेखक की भी हुई थी, जब वो अपने छोटे भाई के साथ मक्खनपुर डाकखाने में अपने बड़े भाई की चिट्ठी डालने गए थे। तब रास्ते में एक कुआं था जो कच्चा था, उसे पक्की तरह से बांधा नहीं था। उस कुएं में रोज़ आते जाते, स्कूल से रोज़ आते जाते लेखक अपने मित्रों के साथ उसमें ढेला यानी पत्थर डालने का काम करता था। ऐसे ही जाते जाते अपने छोटे भाई को उस कुएं के पास लेकर गया और उसे कहने लगा कि देखो भाई, इस कुएं में एक जहरीला सांप है, उसमें हम रोज़ ढेला डालते हैं और उसकी फुसकार सुनते हैं, तो चलो मैं तुम्हें उसकी फुसकार सुनाता हूँ। ऐसे करते समय लेखक ने जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी अपने सर पर बंधी हुई जो टोपी थी उसके अंदर उन्होंने डाल रखी थी, सेफ रखी थी। लेकिन उसे वो ये भूल गया कि जब वो कुएं में उस ढेले को डालने के लिए झुक जाएगा तो उसके टोपी में से वो चिट्ठी गिर जाएगी। यही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और क्या करते, जैसे ही लेखक ने ढेला उठाया और उस कुएं में डालने के लिए चला गया, वैसे ही उसकी जो टोपी थी वो कुएं में गिर गई और उसके साथ साथ वो चिट्ठी भी कुएं में गिर गई। लेखक का ध्यान पूरी तरह से उस चिट्ठी के ऊपर था, क्योंकि अब उसे निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि उस कुएं के अंदर था जहरीला सांप। तो इस तरह से लेखक ने उस कुएं से चिट्ठी निकालने के लिए किस तरह का प्रयत्न किया,
बचपन की वो शरारतें, वो तरीके जो जान लेवा भी हो सकती हैं, लेकिन बच्चों को उसकी कुछ परवाह ही नहीं होती है कि कौन सा खतरा उठाना चाहिए और कौन सा नहीं। बस उनके मन में एक ही डर होता है कि घर के बड़े लोग हमें डांटेंगे, मारेंगे, वो क्या करेंगे। इस डर से ये बच्चे क्या करते हैं, हृदय में उस चिट्ठी को निकालने के लिए जो भी प्रयत्न किया है आप ज़रूर उसे रीड करो। उसका वर्णन लेखक ने इतने सुंदर तरीके से लिखा हुआ है और दिया हुआ है, तो आपको ऐसे लगने लगेगा कि ये चित्र हम साक्षात सामने देख रहे हैं। और इसी के ऊपर ये सब कुएं में से बहुत सारे प्रयास के बाद चिट्ठी तो निकालते ही हैं, लेकिन उस निकालने के जो उन्होंने खतरे उठाए थे, उस खतरे को बड़ा मीन्स लेखक अपने छोटे भाई से डराता है, बताता है कि बिल्कुल ये बात घर में किसी को नहीं बतानी है कि क्या हुआ था रास्ते में ये चिट्ठी के बारे में। तो ये सब वो ऐसे ही चल देते हैं। और जब लेखक मैट्रिक की परीक्षा पास होते हैं और यही किस्सा वो अपनी माँ को सुनाते हैं, तो माँ ऐसे डर जाती है मानो कि वो किस्सा उस अभी अभी हुआ है। और वो इतनी डर जाती है कि झपके से वो लेखक को अपने गोद में छुपा लेती है। और इस बात को लेखक ने यही दिखाया है कि एक माँ की ममता किस तरह से होती है। माँ का प्यार बच्चे बड़े जब होते हैं या छोटे होते हैं उसकी उसी तरह से यहाँ पर ममता रहती है। तो बच्चों, इस लेसन से तो हमें यही सीख मिली हुई है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती है जिसे हमें कभी कभी खतराओं को देखकर हमें स्वीकारना नहीं चाहिए। क्योंकि कहा गया है ना, जान है तो जहान है। अगर हम जीवित रहेंगे तो ऐसे कई चुनौतियों को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती है जिसे हमें छोड़ देने ही बहुत फायदेशील होता है। बच्चों, यहाँ पर इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें बच्चों की बाल्यावस्था के साथ उनकी बचपन की शरारतें की हुई बातें हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेगी। शायद आपको आपके बचपन के किस्से भी याद आ जाएंगे। तो ये पाठ हमें यही सीखा जा रहा है कि जो हम जिज्ञासा वृत्ति रहती है, जो हम अनुमान लगाते हैं, या तो जो भी हम तर्क निकाल कर हमारे भविष्य के बारे में जो भी योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं एक काल्पनिक होते हैं, वो हकीकत में उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार वो सब हो सकता है। सभी योजनाएं, सभी जो की हुई जो हमारी कल्पना है, वो सब साक्षात उतर नहीं सकती है। यही हमें इस पाठ में से लेखक ने समझाया हुआ है कि कुछ भी योजनाएं करो, लेकिन उस योजनाओं को उस परिस्थिति के ऊपर अवलंबित होता है। भविष्य भी उसी तरह से है बच्चों। भविष्य की योजनाएं हम अभी बनाते हैं, लेकिन उस समय के परिस्थिति के ऊपर वो तय होता है कि वो उस तरीके से पूरी होगी या नहीं। उसे पूरी करने के तरीके वो अलग होंगे। आज की अगर हम वर्तमान स्थिति देखेंगे तो आज भी जो हमने अभी हमारे 2021-22 के लिए जो योजनाएं हमने अगर देखी होगी, कल्पनाएं की होगी, लेकिन हमें कहाँ ये पता था कि इस तरह से कोरोना हो जाएगा और ये लॉकडाउन और इतनी सारी समस्या। लेकिन है ना, परिस्थिति के कारण मनुष्य को बदलना पड़ता है, अपनी योजनाओं को भी बदलना पड़ता है। यही खास बात यहाँ पर स्मृति लेसन में से हमें याद रखनी है। और कल्पनाओं को और भविष्य को बनाओ, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन वो काल्पनिक होती है, उसी को पकड़ कर हकीकत समझ कर मत रखो। यही यहाँ पर सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर श्री राम शर्मा जी ने हमें दिया हुआ है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़िए और आगे अगले समय हम देखेंगे